आज हम बात करते हैं जिद्दी बच्चों को कैसे समझाएं। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळेकर। मैं मनोविकार सेक्स रोग सम्मोहन तथा व्यसन मुक्ति तज्ञ हूँ। महाराष्ट्र में मुंबई पुणे अकोला यहाँ प्रैक्टिस करता हूँ। देखो बच्चे बहुत जिद करते रहते हैं। समझो मोबाइल में खेलने का जिद या टीवी देखने का जिद या बाहर खेलने जाने का जिद। जब स्पेशली क्रिकेट की मैच चालू है और वनडे क्रिकेट है तो उनको मोबाइल या टीवी पे मैच देखने का जिद रहता है और फिर पढ़ाई वो बाजू में रख देंगे। फिर बच्चे ज्यादा टीवी देखते हैं करके फिर पेरेंट्स क्या करते हैं, पेरेंट्स बोलते चलो टीवी का कनेक्शन ही काट डालो। और लोग बड़े उत्साह से बोलते रहते हैं और जोर से बोलते हैं कि देखो हमारे घर में टीवी नहीं है, टीवी का कनेक्शन हमने काट दिया है, और बच्चों को टीवी देखने से मना करते हैं। अभी देखो कि एक ये बेटा है, उसका नाम है राम, और उसके मम्मी ने उसको टोका, रोका, उसके ऊपर चिल्लाया, चीखा, ठोका, जो भी करना था वो किया, मगर वो टीवी छोड़ नहीं रहा है। अभी टीवी का वो मैच देखना ही है उसको, और उसका जो बिहेवियर है टीवी देखने का बिहेवियर भी बदल नहीं रहा है। हम क्या करते हैं कि बच्चे का बिहेवियर बदलने की कोशिश कर रहे हैं कि उसने टीवी में मैच नहीं देखनी चाहिए, वो बिहेवियर हमको बदलने का है। तो हम उसके लिए फिर टोकेंगे, रोकेंगे, ठोकेंगे, जो करना हो करेंगे, उसने टीवी नहीं देखना चाहिए, फिर कनेक्शन काट देंगे, जो भी करना हो करेंगे। होता क्या है कि बच्चे का बिहेवियर हम ठीक करने के पीछे, बच्चा तो वही है, हमको बच्चे को चेंज करना है कि बच्चे का बिहेवियर बदलने का है। बच्चे का बिहेवियर बदलता नहीं है जब तक बच्चा बदलता नहीं है। तो हमको बच्चे को बदलने का है और उसके लिए उसके ऊपर संस्कार होना चाहिए, उसकी जो आदतें वो ठीक करनी चाहिए। और वो कैसे ठीक होंगी, हमको ये देखना पड़ेगा कि बिहेवियर जो है, समझो टीवी 4 घंटे देखता है वो उसका बिहेवियर है, उसके पीछे उसका बिलीफ क्या है और वो बिलीफ कौन से इमोशन के साथ जुड़ा हुआ है। मतलब जड़ देखना पड़ेगा कि एक बिहेवियर है हमको नहीं चाहिए, उसके पीछे क्या है, उसके पीछे बिलीफ और इमोशंस है। वो जब तक हम उसको हाथ नहीं डालते, उसको धक्का लगाते, तब तक ये बिहेवियर बदलता नहीं है। समझो एक राम नाम का लड़का है, राम नाम है उसका, और वो टीवी बहुत देखता है। तो अभी उसके मम्मी ने उसको बोला कि टीवी का कनेक्शन काट दिया, फिर अभी पढ़ाई करो उसके पीछे लगा दिया। फिर अभी उसको 2-3 दिन हो गए बिना टीवी के, फिर वो सोचता है कि मेरा जो श्याम नाम का जो दोस्त है उसके यहाँ टीवी चालू है, तो फिर वो मम्मी को बोलता है कि मम्मी मम्मी मेरे को है ना इंग्लिश थोड़ा सा मेरा कच्चा है, तो मैं अभी उसके पास में शाम के पास में जाता हूँ, थोड़ी इंग्लिश की पढ़ाई करता हूँ। तो मम्मी बोलती है ठीक है बेटा जा, वहाँ जाके पढ़ाई कर। उसको लगता है कि वहाँ जाएंगे टीवी देख सकेंगे हम, इसलिए वो वहाँ जाने की कोशिश करता है। मम्मी को तो पहले ही डाउट है, मम्मी वो शाम की मम्मी को फ़ोन कर देती है कि भाई देखो देखो मेरा राम है ना वहाँ आ रहा है और ये दोनों मिलकर टीवी देखेंगे, तो आपने देखना जरा उनके ऊपर नज़र रखो। बोले ठीक है मैं भी टीवी का कनेक्शन काट डालती हूँ, और उसकी शाम की मम्मी भी टीवी का कनेक्शन काट डालती है। अब होता क्या है, अभी यहाँ भी टीवी नहीं, वहाँ भी टीवी नहीं है। अब उसको तो बहुत देखने का मैच, उसका बहुत इमोशंस जुड़ा हुआ है, उसका बिलीफ है कि नहीं वो बहुत अच्छा है। अभी हमको देखना है कि वो जो अभी जा रहा है उधर, बीच में वो रुक जाता है एक पान टपरी के ऊपर, मैच चालू है, चिल्लाना चीखना चालू है मैच में, बड़ी जोर से लगाई हुई है कॉमेंट्री, और फिर वो वहाँ रुक जाता है, थोड़ी सी मैच देख के जाएंगे उधर, और वो मैच देखने के लिए वहाँ खड़ा हो जाता है। लोग आ रहे जा रहे, 2-3 दिन ऐसे ही चल रहा है कि जाते आते वो मैच देख रहा है जो भी चालू है, या जो भी देखना है उसको टीवी के ऊपर देख रहा है, और उसके साथ साथ वो देख रहा है कि लोग आ रहे, पान खा रहे, सिगरेट पी रहे, थोड़ा सा वो भी फिर पान और सिगरेट के इसमें टेस्ट करने में लग जाता है और वो भी चालू कर देता है। देखो एक प्रॉब्लम था कि टीवी देख रहा है, वो प्रॉब्लम को छुड़वाने के लिए सॉल्यूशन ढूंढना हमने कि भाई उसका टीवी कनेक्शन बंद कर दिया। अभी वो तो बंद हो गया, अभी वो जा रहा बाजू में पान टपरी के ऊपर, वहाँ टीवी देख रहा है और वहाँ अभी अभी पान की और सिगरेट की उसको लत लग गई, नया प्रॉब्लम चालू हो गया। अब इसके लिए क्या करना चाहिए, देखो हमको ये उसके साथ में बातचीत करनी पड़ेगी, हमको है ना बच्चे के साथ में बातचीत करनी पड़ेगी कि भाई वो टीवी क्यों देखता है, टीवी देखने से उसको मिलता क्या है। हो सकता है कि वो टीवी इसलिए देखता है कि उसको बस एक आदत सी हो गई, उसको वो बेचैनी होती है, रेस्टलेसनेस होता है, एंग्जाइटी होती है टीवी नहीं देखा तो, ये कारण हो सकता है। दूसरा वो बच्चों के साथ में, दोस्तों के साथ में मिलता है तो वो चर्चा करते, कोई सीरियल चालू है, मैच चालू है, फिर ये कुछ बोल नहीं पाता क्योंकि उसने टीवी देखा नहीं है। या फिर उसका उसकी पढ़ाई हो चुकी है, अभी करना क्या है इसलिए वो टीवी देख रहा है, या उसको भी उसको खेलने के लिए कोई नहीं इसलिए टीवी देख रहा है। ऐसा उसको देखना पड़ेगा कि ये टीवी देखता है इसके पीछे कारण क्या है, वो टीवी क्यों देख रहा है नहीं बोलने के बावजूद। अभी वो कारण को और इमोशन को हमको डील करना पड़ेगा। उसको बहुत अच्छा लगता है, हैप्पीनेस, खुशियाँ, एक्साइटमेंट टीवी देखने में आती है,
अभी हमको उनसे बात करनी पड़ेगी कि भाई तुमको करना क्या है आगे चल के। अगर वो बोलता है कि मेरे को इंजीनियरिंग करना है, डॉक्टरी करना है, आर्किटेक्ट होना है, या MBA करना है, जो भी कुछ करना है, या UPSC एग्जाम देना है, जो भी कुछ करना है, उसको पूछो कि क्या TV देखने से तुम्हारा जो इंटेंशन है, तुम्हारा जो मकसद है वो पूरा होगा? तो नहीं होगा। देखो आपको दिल्ली जाना है, तो दिल्ली जाना है तो आपको ट्रेन का टिकट निकालना पड़ेगा, बुकिंग करनी पड़ेगी, रिजर्वेशन करनी पड़ेंगे, तो आपको आपकी जो एक्शन है वो एक्शन कंसिस्टेंट होनी चाहिए दिल्ली जाने की। यदि मेरी एक्शन कंसिस्टेंट नहीं है, मैं बोल रहा हूँ कि मुझे दिल्ली जाने का है और मैं इधर सो रहा हूँ, तो मेरी एक्शन सोने की कंसिस्टेंट नहीं दिल्ली जाने की, उसके में बातचीत करनी पड़ेगी कि देखो आपको यदि वो मकसद हासिल करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसको पूछना पड़ेगा क्या करना पड़ेगा। फिर वो बोलेगा मुझे पढ़ाई करनी पड़ेगी। पढ़ाई क्यों करना है? क्योंकि पढ़ाई करना वो कंसिस्टेंट है कि भाई मेरे को UPSC पास करना है आगे चल के, या पढ़ाई कंसिस्टेंट है मतलब मेरी जो एक्शन है वो कंसिस्टेंट है कि भाई मेरे को मेडिकल जाने का है। तो ऐसे जो बातचीत करेंगे, उसको पढ़ाई का महत्व समझा देंगे, मतलब उसका बिलीफ सिस्टम जो है उसके ऊपर काम करना पड़ेगा, और जब उसके ऊपर काम करेंगे तो उसका TV देखना बंद हो जाएगा। उसको मकसद, मैं जो बोल रहा हूँ उसका इंटेंशन क्या है, TV क्यों नहीं देखना चाहिए ये बोलना जरूरी है। बजाय TV मत देखो, TV मत देखो, TV मत देखो, मोबाइल मत खेलो, मोबाइल मत खेलो, मोबाइल क्यों? वो उसके दिमाग में दिख गया और वो नया बिलीफ सिस्टम तैयार हो गया, तो वो जो TV देखने का उसका जिद है वो जिद निकल जाएगा। ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो जरूर सभी वो पालक लोगों को शेयर करो, पेरेंट्स लोगों को शेयर करो जिनको ये प्रॉब्लम बच्चों की आ रहे हैं। थैंक यू वेरी मच।